हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज जैसे आपको पता है कि हम लोग फिर से जा रहे हैं केरला में, बट दिस इज़ नॉट दी साउथ पार्ट ऑफ केरला, वी आर गोइंग टू नॉर्थन केरला। और अभी ऑन द वे है क्योंकि हमने घर से ही ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। तो जैसे अभी देखिए अनुराग वगैरह सब सो रहे हैं, रंजना अभी उठी है पीछे एंड पापा वहाँ बैठे हैं। सो वी आर राइट नाउ क्रॉस्ड मंडिया और 4 बजे हम लोग घर से स्टार्ट किए थे। अभी 7:30 हो रहा है, तो बीच में हॉल्ट लेंगे ब्रेकफास्ट के लिए और फिर वहाँ से अच्छे से बनाएंगे, तो स्टे ट्यून। बने आ गया था ओपन। अभी हम लोग यहाँ पे हॉल्ट कर रहे हैं, इसका नाम है प्रिंस रेसिडेंसी और नंजनगढ़ जो रेलवे स्टेशन है उसके जस्ट 1 या 10 स्टेप के आगे ही है। और आपका नाम कैसे लो? मैयप्पा। मैयप्पा जी से ही मिल सकते हैं यहाँ पे। अभी सब लोग सो रहे हैं, देखिए पापा भी उठे। पापा गुड मॉर्निंग। क्या रात में सोने में लेट हो ही जाता है, अराउंड 12 बजे 1 बजे सोए और फिर 3 बजे उठ जाओ रेडी होने के लिए, तो ऐसा रहता ही है। रंजना अभी भी नींद में है। सो गाइस, रंजना ने इस बार बहुत ब्लंडर कर दिया है। हमारी तिलस्मी चश्मे जो है फर्स्ट टाइम इन द लाइफ वो जो है वो कर दिया है मिस। अच्छा है बहुत ही नीट एंड क्लीन लग रहा है, मतलब अच्छा है। और इधर पे देख सकते हैं पूरा। हे गाइस, सो फाइनली हम लोग जो है ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और अभी थोड़ी मतलब हम लोग रिफ्रेश हो चुके हैं। सो यहाँ पे नंजनगढ़ में जो स्टेशन था आशीर्वादा प्रिंस रेसिडेंसी और ये आशीर्वादा होटल है और उनके मैनेजर है तो मैं चलो सर पुटराज। हाँ, पुटराज जी से आके मिल सकते हैं आप। तो बहुत ही अच्छा है, नीट एंड क्लीन है एंड मतलब इट इज़ लाइक A1 है, तो मस्ट हॉल्ट है यहाँ पे। और दूसरा चीज़ है कि टेस्ट वाइज एंड सर्विस वाइज इज एक्सेलेंट। सो थैंक यू सर। तो अभी हम लोग जो है अपूर्व सर कोटे दिन और 9035 जो है हम लोग जाएंगे और उसके बाद में चले। अभी पूरा रेडी हो गया पापा भी पूरा फ्रेश और बस अभी रिफ्रेश वगैरह हो चुके हैं, तो अभी जाते हैं, कहीं हॉल्ट नहीं लेंगे, और डायरेक्ट पहुंचेंगे बंदीपुर में चेक करेंगे जो टाइगर रिजर्व और फॉरेस्ट रिजर्व है, और बीच में कुछ भी अच्छा आता है तो वो शूट करेंगे, तो स्टे ट्यून। हे गाइस, सो टाइम हो रहा है 11:30 अभी और जो है हम लोग बंदीपुर टाइगर रिजर्व में इंटर हो चुके हैं। तो बहुत ही अच्छा मतलब व्यू है और हमें ऑलरेडी वाइल्ड एनिमल्स दिखना चालू हो चुके हैं। तो हमने जो स्पॉट किया है वो हिरन है, डियर, अभी वो अंदर मतलब है तो थोड़ी थोड़ी हम देख पा रहे हैं और यहाँ का व्यू भी ऑसम है, तो आपको भी वो दिखाते हैं। तो गाइस देखे, हमें पहला वाइल्ड एनिमल हाथी मेरे साथ ही मिला है। खाना खा रहा है। डोंट डिस्टर्ब। हाँ, मतलब डियर तो नहीं दिखा है कि एलिफेंट बहुत है। हाँ, दुबई चलेंगे ना तब आएगा। यहाँ पे सब तरीके का एनिमल है, तो अभी स्पॉट किए एलिफेंट और उसके आगे देखते हैं कुछ और स्पॉट करते तो वो भी कैप्चर करेंगे। तो गाइस अभी जो है हम लोग का चेक पोस्ट निकल चुका है कर्नाटका का, अभी हम लोग इंटर कर चुके हैं केरला
और हर जगह देखिए मंकी ही मंकी दिख रहा है, ये पूरा छोटे छोटे। सो वी आर इन केरला अगेन। सो गाइस अभी जो है हम लोग ऑलरेडी सुल्तान भटेरी जो है वो क्रॉस कर चुके हैं, और दैट इज़ दी बस स्टैंड सेंटर, मतलब जो आप इंटर करोगे तो वहाँ पे मेन है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ही लोकेशन है। करिए, लोकेशन का डिटेल्स भी दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारा होटल जो है सियरा ब्रुक्स, उसको भी सर्च करिए, उसका भी अभी आपको जो है सब डिटेल्स दिखाएंगे। तो वो दैट इज़ लाइक अ विला इन बिटवीन ऑफ स्टेट। तो अभी जो है इसी का ही पूरा मतलब टी और ये पूरा जो मेन है वो दिखेगा आपको, देखिए। हे गाइस, सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं सियरा ब्रुक्स में, और वी आर लिटिल अर्ली। तो अभी जो है हमारे जो केयर टेकर है वो क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं और वो हमें रूम देंगे, तो वो दिखाएंगे आपको। तो यहाँ आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो और आपको ये बता सकते हैं बहुत ही प्लीजेंट है यहाँ पे होने वाला है स्टे। यहाँ से एंट्रेंस है द टॉप ऑफ द हिल, उसके बाद नेक्स्ट हिल है ये पूरा ऊपर में, और जैसे ही एंट्रेंस लेते हैं तो यहाँ पे केयर टेकर का मतलब उनका घर है, और यहाँ पे बहुत सा मतलब जैसे एनिमल्स वगैरह वो रखे हुए हैं, पेट एनिमल्स। तो देखते हैं क्या कर रहे हैं रंजना और पापा और मुन्ना। उससे पहले हम लोग को वेलकम ड्रिंक ये रहा। दिस इज समथिंग स्पेशल वेलकम ड्रिंक, इट इज फ्रेश फ्रूट जूस। So, Papa, welcome drink. It is already, this is empty. Or le lo. Thank you. No more. Oh, carom board chalo ho gaya. Yes. Piyoge? तो बहुत ही मतलब अच्छा है और टाइम पास करने के लिए। तो अभी ये मेन नहीं है बेसिकली, और यहाँ पे टोपी अच्छा लग रहा होगा ना, इसलिए पहना हूँ। तो यहाँ मेन नहीं है, पीछे है, वहाँ पे भी जाएंगे तो अभी चेक इन। रूम इज़ रेडी। ओके, सो रूम इज़ रेडी गाइस, सो विल गो एंड विल शो यू हाउ इज़ द रूम। ये चाय के फूल है, हाँ है ना, आराम से। हाँ ये कॉफ़ी है, हाँ ये कॉफ़ी है, वो छोटा छोटा कॉफ़ी है, पेपर भी है ये शायद, हाँ कॉफ़ी ये पक रहा है ना, पक रहा है। सो गाइस यहाँ पे जैसे लेफ्ट साइड में आपको कॉफ़ी और राइट साइड में टी का भी दिखेगा, और यहाँ पे थोड़ी सी डाउन आपको जाना पड़ेगा। सो ये टी स्टेट के अंदर ही है, और ये शायद कॉटेजेस मतलब विला जो हम लोग बुक किए थे वो है। तो देखते हैं, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस भी मतलब होना चाहिए है ना। पकड़ के जाओ, पैर पकड़ लो ना। ठीक है, चल रहा। और दूसरा जो है हाँ,
सो ये रहा हमारा विला कॉटेज। रात में इसमें शेर चीता भी आता होगा? पता नहीं, हम देखेंगे रात में। ये बता रहे हैं वहाँ नीचे पानी में जा सकते हैं। हाँ, चीता के अलावा दूसरे चीता होता नहीं, दूसरे जानवर। सो गाइस, क्या है कि वहाँ पे भी पानी का आवाज़ आ रहा है, तो झरना वगैरह है, नदी है, लेकिन रात में जाना मना है। और यह पूरा कॉफ़ी स्ट्रीट इंजॉय कर सकते हो। सो ये कॉटेज में हमने दो रूम लिया है, 201 202। बड़ा टाइम फॉर रूम टूर। तो हम भी फॉर्मली तो रूम नंबर 201। वेलकम टू आई स्टे इन वाई नॉट। वाओ व्हाट अ रूम, सी दिस। और कितना ही अच्छा, मतलब विंटर होते ही एलिफेंट्स और जंगल का पूरा। यहाँ पे टीवी, ऊपर में वुड एंड सीलिंग, बैठने के लिए टेबल्स एंड चेयर्स। यहाँ पे साइड में आप जो भी है पूरा वुडन है। और ये क्वीन साइज बेड, कर्टेंस, बड़े बड़े विंडो। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जाने के लिए बाहर, हाँ तो ये जैसे आपको बैल्कनी दी है, यहाँ पे आके बैठ के आप गपशप पूरा जो भी है करते रहो। यहाँ पे भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि मतलब तीन चेयर है तो बस यहीं पे बैठना है, तो यहाँ चेयर भी दिया है। और इस साइड में ऐसे ही बैठ सकते हो, मतलब बैठ के नज़ारा, फोटो तो बहुत अच्छा आता है यहाँ पे। और उसके बाद बेड के सामने जो है, आपने एक चीज़ और देखा रंजना? Have you seen? Yes. What? The drinks. Huh? The drinks are the fruit. Drinks. Weird drinks. Fruit. We're talking about the fruit, right? Hmm. So guys, यहाँ से भी जैसे आपको विंडो वगैरह ओपन करो तो दिखेगा, पूरा स्टेट का है। और फ्रेश फ्रूट्स कुछ मिला है तो अभी यूटिलाइज करेंगे। ये आपका कपबोर्ड्स, हैंगर्स, ये क्या है, सेल्फ सेफ लॉकर होगा। और ये जैसे नीचे का, हाँ सेफ लॉकर इधर पे है। ये आपका फ्रिज। एंड फाइनली जो है यहाँ पे बहुत बड़ा सा मिरर और वॉशरूम, तो नीट एंड क्लीन है, इसका भी हम करेंगे इस्तेमाल। तो पूरा ही एरोमेटिक है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। तो इफ यू आर प्लानिंग, यू कैन कंसीडर टू विजिट हियर। और हम लोग अपना एक्सपीरियंस तो व्लॉग में शेयर करेंगे, फ्रेशन अप होते और फिर मिलते हैं आपको फर्दर, स्टे ट्यून। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं नहाने के बाद, अभी जा रहे हैं फुल फॉर्म में। तो अभी जा रहे हैं लंच के लिए, बहुत भूख लग रही है, एक बज रहा है। और देखिए हम लोग का ड्रेसअप, और मुन्ना, अनुराग और पापा एक ही मतलब लिए हैं कॉम्बिनेशन। तो अभी चलते हैं। रंजना इज ऑल्सो लुकिंग प्रीटी एज यूजुअल। और यहाँ का लोकेशन बहुत ही अच्छा है, वो नीचे वाटर स्ट्रीम जा रही है। और यहाँ बैठने का भी बहुत अच्छा है, मतलब हर जगह ही अच्छा है। तो चलते हैं, पहले खाना खाते हैं, वहाँ आपको दिखाते हैं कैसा है। आज सैटरडे है तो हम लोग वेज खाते हैं, तो वी आर ट्राइंग समथिंग इन क्या बोलते हैं उसको, पनीर, पनीर में। तो यहाँ पर कैसे कुजीन रहता है। और ये देखिए डायरेक्टली कॉफ़ीज। और वो पूरा मतलब टी प्लांट्स है, तो वहाँ पे जैसे प्लकिंग वगैरह भी हो चुका है, तो ऊपर भी जाएंगे तो दिखाएंगे। तो लेट्स कंटिन्यू। ये है डगर पनघट की। इनको ऐसी ही लग रही है कॉफी वाला। आ जाओ आ जाओ।
देखिए रंजन वहाँ से फोटो खींच रही है तो अच्छा है। बहुत अच्छी आ रही है। कैसे आ रही दिखा देते हैं। बहुत अच्छी। चलो तुम्हारी ले लेते हैं। आइए। इधर गिर गई, इधर गिरते तो सीधे नीचे काम आ रहा ना, ग्रिप बना रहा है। पापा का जूता सबसे सेट वाला है इसमें। ऑफ रोडिंग मेरा जो जूता है बहुत टाइट। ट्रैकिंग सो यहाँ से छोटा सा ट्रैकिंग भी हो जा रहा है सबका, और ज़्यादा भूख बढ़ाने के लिए। और अगर आपको चाय पीनी है तो यहाँ से चाय तोड़िए और पी लीजिए। हर जगह टी। ले लो लो। तो पापा को बहुत अच्छा लग रहा है और वो सेल्फी ले रहे हैं। है ही जगह अच्छी। और वहाँ पे भी देखिए बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स। तो अभी जैसे आफ्टरनून टाइम है लेकिन गर्मी उतनी नहीं है बेसिकली। और दूसरा क्या है, खाना खा के भी एडवेंचर्स के लिए भी जाएंगे, तब तक कूल हो जाएगा। लंच तैयार हो गया है और अभी जो है कॉफ़ी बीन मैंने चबाई यहाँ पे। देखिए बहुत थोड़ी देर बाद एकदम डी अरोमा हाउस में सर्व किया जा रहा है। तो इधर पे है सीटिंग अरेंजमेंट, आप बैठ सकते हो, चिल भी कर सकते हो। और अगर कंप्लीट ग्रुप के साथ में भी हो तो कम नहीं पड़ेगा। 2, 3, 4, 5, 6 ऑलमोस्ट 7-8 बड़े बड़े सीट मतलब टेबल्स हैं। ग्रीनरी एवरीवेयर। हैंड वॉश, टॉवल, मतलब दिखाता हूँ कि आज केरला क्विजिन में यहाँ क्या स्पेशल है। तो वी आर हैविंग पूरी, पनीर मटर, मटर पनीर, और ये कर्ड है विथ तड़का, लुक्स लाइक चटनी बट दैट इज कर्ड। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज वेजिटेबल करी। ओके सो दिस इज वेजिटेबल करी। और ये बीन्स फ्राई, दिस इज बीन्स फ्राई अगेन विद द सेम डिफरेंट काइंड ऑफ डिश। ये भी वैसे ही है कैरेट का राइस, स्पिनिश फ्राई, एंड दिस इज सागू सागू पापड़। तो ये भूख लग रही है, बोलने में नहीं हो रहा, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आप भी कंटिन्यू करिए। स्टे ट्यून। बीन्स फ्राई, लॉन्ग बीन्स, बट बढ़िया। हाँ उसी टाइप का। ये नहीं लोगे ना कार्ड? हाँ लेंगे ना, बाद में लेता हूँ। कैट वाली थोड़ा नो सेपरेटली नॉट रिक्वायर्ड। बाद में दे अभी। गुड, यू कैन गिव अदर फूड आल्सो ना। तो बेरे ऐसा बेको तक जो रंजना खाना खा रही है। तो आई चेक हाउ इज द टेस्ट। वंडरफुल, एवरीथिंग वेरी डिफरेंट। आई डोंट नो द नेम बट यस, इसका कॉम्बिनेशन राइस के साथ है, राइस और पचड़ी में। कैसा लग रहा पापा? एक्सीलेंट फूड। तुम्हारा? बढ़िया, मस्त मस्त है। पनीर है अनुराग का फेवरेट, पनीर तो चना की देवटा। सो ऑल आर गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। रियली टेस्टी, रियली टेस्टी। सो हम लोग जो है कंटिन्यू कर रहे हैं
अभी तो रिकॉर्ड करने में दिक्कत होगा खाने के टाइम पे, तो आप भी लंच के टाइम है तो आप भी लंच करिए। थैंक यू। तो गाइस वेरी 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 डिलीशियस फूड और ऑलमोस्ट 10 to 15 जो है यहाँ पे आइटम है छोटे 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 चटनी वगैरह सबको मिला के, और एडिशनली टू दैट आपको और भी मिलता है आइसक्रीम। तो इतना खा के तो चलना मतलब पॉसिबल ही नहीं है आराम से। खाना तो हम लोग 5 star 3 star में भी खाते हैं, इतने टेस्टी खाना। ऑब्वियसली सो जैसे डैडी बोल रहे हैं पापा बोल रहे हैं कि हम लोग 5 star वगैरह में तो घूमते ही रहते हैं लेकिन वैसा टेस्ट नहीं मिलता है, बुला के दे देते हैं। तो सर से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अगर डिनर प्रिपेयर करते टाइम में हम लोग को दिखाए कैसे। ताज में चंदेला में खाते हम लोग तो लगता है जैसे कोई उबाल के दे दिया घर का। तो डिनर टाइम कैन यू शो आवर व्यूअर एट हाउ यूर कुकिंग व्हाट है ना एनी डिशेस, सो वी विल बी डूइंग इन द वेज, तो वो भी एक नया एक्सपीरियंस रहेगा फॉर आवर सेल्फ आल्सो। ये वहां से अरे हम कंपनी है इसलिए कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, वरना अभी हम लोग हैं टीवी में जब सेट करोगे ना। जा तुम भी जा डालो जी फिशर का जो पकड़ के जाओ। ओ वैसा है ये तो सब नहीं होगा। Why you are coming behind me? बीच में रखो। अरे जिसके नीचे वो है कचरा वहीं पे रखो। नेटवर्क आ रहा है देखो मुन्ना, यही वो जगह है जहाँ नेटवर्क आ रहा है। हाँ वही तो बता रहा हूँ। नीचे भी जा सकते हैं बस बाबा फिर से आगे नहीं जाएंगे। तो गाइस देखिए हम लोग ऑलरेडी ब्रिज में खड़े हैं, वो भी 3 लोग एक संग को कब वेट है पता नहीं। बॉलीवर्स और ब्रिज बैम्बू ब्रिज। तो अभी जो है टाइम नहीं वेस्ट करके जाते हैं 900 कंडी जो कि यहाँ का एडवेंचर एरिया है, और इंस्टाग्राम में जो भी आप देख रहे होगे ना झूला झूला वो सब वहीं का ही शूट है। हे गाइस सो फाइनली हम लोग वायनाड के टूरिस्ट स्पॉट में आ चुके हैं और इसका नाम है एथिकल केव, जो कि बहुत ही एंशेंट केव है और माना जाता है कि इसमें मतलब पुरानी कोई सभ्यता जो थी वो पाई गई है। तो उस एक्सप्लोर करेंगे, तो एक्सप्लोर करने के लिए बेसिकली आप आते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल आइए। और अभी हम लोग का जैसे थोड़ी सी ट्रैकिंग ही बोल सकते हैं, ऊपर तक जाना है तो ट्रैकिंग हो जाएगा, और उसमें जो केव में कार्विंग्स है और सुन के समझ सकते हैं। हाँ और थक भी गया ना आदमी। हाँ तो केव और कार्विंग बहुत है। हाँ थोड़ा सा तो ट्रैकिंग जैसा है, ऑलमोस्ट 60 डिग्री करेक्ट, बाकी मौसम बहुत बढ़िया है। हाँ मौसम बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। सो अभी ट्रैकिंग करते हैं, फाइनली पहुँचते हैं अपने डेस्टिनेशन में। सो कंटिन्यू स्टे ट्यून्ड। लो पकड़ लेंगे, नहीं हम ले लेंगे, मौसम ऐसा रहे तो ठीक है, छोटे छोटे कदम लो, छोटे छोटे कदम में और थक जाएगा। ये पाइनएप्पल हर्बल मसाला डोसा वाला तो बहुत अच्छा है यार, देखो मसाला सोडा है, डोसा देख रहे हैं बापरे बहुत ऊंची चढ़ाई है ये, धक्का लगा धक्का धक्के लो मत कनिया ले लो एक। कोई ऑटो नहीं? हाँ है ना, डेली अगर आप यहाँ पे आ जाए तो आपको कोई जिम की जरूरत ही नहीं। तो तुम आ जाए अगर
अगर पार्किंग करोगे नहीं करोगे तो अच्छा है। ये देखिए ये सब ये रिसोर्ट है हर्मिटेज, तो यहाँ पे पहले सोच रहे थे लेने के लिए, फिर अपने वो अच्छा वाला ही रिसोर्ट लिया। वाटरफॉल है यहाँ? वाटरफॉल नहीं है, ये केव है। यहाँ पे पूरा जन सक क्या बोलते हैं, आराम से चलो। पहले के जो जनजाति वगैरह थी यहाँ पे पाई गई थी, तो जैसे नहीं अजंता एलोरा वगैरह में पेंटिंग वगैरह से, तो यहाँ पे भी देखने लायक है, एक्सप्लोरिंग करने लायक है। जो भी लायक है बहुत आरामदायक लायक है। ट्रैकिंग गाइस, वन मोर थिंग, आई डोंट थिंक सो इट इज वर्थ विजिटिंग एडिकल फॉल ओके और केव, बट पीपल आर टेलिंग मिक्स्ड फीडबैक, सो फाइनली वी आर कन्फ्यूज, सो वी डोंट वॉन्ट टू वेस्ट आवर टाइम ऑल्सो, सो वी आर गोइंग बैक। सो दिस थिंग डेफिनेटली आई विल राइट, आई विल अपलोड, सो इफ यू वॉन्ट यू कैन कम एंजॉय, यू डोंट वॉन्ट टू कम डोंट नीड टू कम, सिंपल। Because people are confused, they are not giving good review, so I don't know, I have not gone on the top, maybe it is 1 kilometer top, तो ऊपर जाके खुद ही देख लीजिएगा। यहाँ तक आधा तो हम लोग आ चुके हैं, यहाँ तक तो हम लोग आ चुके हैं, एंड मोर देन 20-30 मिनट्स हम लोग वेस्ट कर चुके हैं, तो बोल रहे हैं कि आधा घंटे में क्लोज हो जाएगा, पता नहीं क्या है, अच्छा है ख़राब है, खुद ही आप आके देखिए। थैंक यू सो मच। हे गाइस, सो चाय के बागान में आपका स्वागत है, और देखिए कितना ही मनमोहक दृश्य, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत ही फोटो सेशन कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा है, मतलब कहीं पे भी आप घूमने जाए ना जाए यहाँ पे बिल्कुल आइए। और ये जो लोकेशन है टी म्यूज़ियम एंड टी फैक्ट्री यहाँ पे है, सो इट इज़ नियर बाय टू आर रिसोर्ट एज वेल, और मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रहा है। देखिए हर जगह जाओगे तो पूरा टी ही टी है, वहाँ पे भी कुछ दूसरे फैमिलीज़ हैं जो फोटो वगैरह कर रहे हैं, फोटो सेशन, जहाँ पे भी जाइए पूरा आपको व्यू ही व्यू दिखेगा। देखिए अनुराग और पापा वहाँ पे हैं, फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, और मस्त क्या चीज़ है कि यहाँ पे बहुत ही डेंस है, तो हर जगह आप जाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए रंजना फ़ोटो शूट कर रही है, तो गाइस बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली मतलब खैर यहाँ पे तो टोटल ही चाय के बागान है, बट इन द मीनवाइल वी स्टॉप्ड हियर एंड वी आर नॉट विलिंग टू गो, फिर हम लोग को लगा रिसॉर्ट इतना अच्छा है वहाँ पे भी, तो रिसॉर्ट में भी एक सरप्राइज है, बने रहिए, वो भी आपको आगे दिखाते हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड। तो यहाँ पे एक और एडवाइस है, जो भी अगर ये ब्लॉग देखेगा तो जो, हाँ अच्छा,
क्यों हटा रहे थे आप अपने लॉक से? चाय का फूल तो बेसिकली क्या है, जो प्लग करते हैं ना उनका टोकरी रहता है, जैसे आसाम दार्जिलिंग में तो उनके साथ फोटो खिंचवाया जाता है, यहाँ पे भी ऐसा रख दे तो आदमी इंजॉय करेगा ना। तो हम लोग कर रहे हैं, देखिए तो हम लोग को ऑप्शन नहीं था, हम लोग खुद ही बना ले रहे हैं टोकरी। सो गाइस अभी इवनिंग टाइम हो रहा है, तो हम लोग का पहला प्लान था कि वहाँ पे ऊपर में जहाँ पे लंच किया है वहीं पे जाके टी भी पिए और अलॉन्ग विद बोन फायर। तो अभी जैसे थोड़ी ड्रिजलिंग हो रहा है तो हम लोग ने सोचा कि घर पे ही मतलब यहाँ पे मंगवा लेते हैं रूम में। तो जहाँ पे हम अनुराग और पापा रूम ये वाला शेयर कर रहा है, इसकी बालकनी में ही हम लोग का अरेंजमेंट हो गया है, देखिए। सो गाइस बाहर जो है मतलब नीचे झरना है तो सुबह भी एक्सप्लोर करेंगे, और अभी जो है मतलब यहाँ पे बारिश हल्की और ड्रिजलिंग जैसे हो रही है तो हम लोग ऊपर नहीं गए थे तो यहीं पे अभी एंजॉय कर रहे हैं। देखिए तो क्या क्या दिया है उन्होंने, पोटैटो चिप्स, नो पोटैटो चिप्स, किस बिस्किट, चीज़ बिस्किट पोटैटो बिस्किट भी तो आजकल आ रहा है। ओके तो दिस इज वड़े, टी, चीज बिस्किट, तो इतना अच्छा, रियली ऑसम, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बैठने उठने के लिए भी बहुत अच्छा है गाइस, तो बहुत ही अच्छा है। और दो यूनिट है मतलब फूड फैसिलिटीज अच्छा, बहुत ट्रिमेंडस है। और बोला जाता है कि अभी हम लोग बोन फायर का वेट करें क्योंकि ड्रिजलिंग हो रहा है, तो अभी अगर रेनिंग होती है तो बोन फायर कैंसिल हो जाएगा तो डायरेक्ट डिनर होगा। सो दे में प्रोवाइड इन हाउस ऑल्सो, अगर जैसे मान लीजिए नहीं होता तो हम लोग चाहते कि रेनिंग ना हो तो बोन फायर करें और फिर वहाँ इंजॉय करेंगे तो उसका भी फील अच्छा ही आता है, और फैमिली के साथ तो मज़ा आता ही है। तो हम लोग थोड़ी सी यहाँ पे भी चिट चैटिंग करेंगे। सो गाइस फाइनली जो है हमारा बोन फायर रेडी हो चुका है। बोन फायर को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे छोटा सा अंताक्षरी, और एज नॉर्मल रूल एंड रेगुलेशन वी विल फॉलो। तो पहले पापा से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये सीनियर है। तो पापा सूर तो सब भूल गया लेकिन वादा करके जाने जा, उसके बाद याद नहीं पड़ा दूसरा भी, मतलब एटलीस्ट एक तो लाइन गाना पड़ेगा, भूल गया था। तो दूसरे को भी देना पड़ेगा ना, वादा कर दे जाने जा, अभी नहीं दाने जा, जा से तुम गाओ। हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना सीखो, ऐसे कुछ गाना है ना। हाँ सीखो, हाँ खासे खासे खुदा जाने क्या ये हुआ है, खुदा जाने क्या मैं हुआ हूँ, सब गलत है ये। वैसे ही फील समझो, मरमिटा हूँ, हाँ मरमिटा। तो टा से फिर पापा के पास, अब हम ना खेलेंगे, हमको तो सब याद नहीं। ठीक है जो भी है फेवरेट गाना है बताओ, हाँ नहीं तो दूसरा करते हैं। फेवरेट थिंग इन योर लाइफ, मतलब एज अ चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में सबसे फेवरेट थिंग क्या था? चाइल्डहुड में हम जो है बिफोर मैरिज तक, जो है मैरिज के बाद भी आफ्टर मैरिज में 24 घंटा में 20 घंटा सोते थे। अच्छा जब मेरा नया नया शादी हुआ तो मम्मी खाना बना के, वो बहुत सीधी थी, खाना बना के रख देता था, परस पता बोलता रहे तुम तो अभी आए हो ना, हम पहले से जानता हूँ भैया को, वो सोता है तो दो दिन तीन दिन कंटिन्यू सोता है, नॉन स्टॉप, ना बाथरूम जाता ना पानी पीता ना खाना खाता, तीन दिन बाद जगाते उसको, तीन दिन बाद हम उठते थे। तो अच्छी टैलेंट है, ज़्यादा सोना भी मतलब नहीं सो पाते लोग, डिफ़िकल्ट है। तुम्हारा क्या था फेवरेट थिंग इन योर चाइल्डहुड? स्टेडियम जाना, बस बहुत। स्टेडियम में क्या करते थे आप?
टेबल टेनिस खेलने जाते थे ना तो अच्छा लगता था वहाँ पे, ज्यादा मजे वहीं पे किए। और व्हिच इज योर फेवरेट शॉट इन टेबल टेनिस? शॉट हाँ, टॉप स्पिन फ्रंट में यूं करके मारते हैं। फेवरेट उसमें कुछ नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या खेल रहा है। ठीक है, अमुन्ना तुम्हारा? ऐसा तो बहुत कुछ था लेकिन पनीर फेवरेट था, जहाँ मिलता था मसक दे। अच्छा तो पनीर फेवरेट है। मुन्ना का ये था कि रात में जो है सोता कम था, सब सब सो जाते थे तब वो जागता था, रात को 2-3 बजे जब अभी तक कंटिन्यू चालू है उसकी, 2-3 के पहले सोता कहाँ, 3-4 बजे सुबह वही टाइम में उठ जाना उसको। तुम्हारा? मेरा चाइल्डहुड ऐसा था कि मतलब मुझे ज़्यादा ये घिचपिच वाला पंचायत वाला चीज़ नहीं अच्छा लगता था, नॉर्मल जैसे छोटे मतलब 1-2 साल का जब था ना तो घूमने ले जाते थे शाम को, और ऐसे मतलब और वेकेशंस वगैरह पड़ता था जैसे 2-3 महीने का जो होता था समर वेकेशन, तो उसमें घूमने जाते थे, ताजमहल और ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें देखते थे, तो वो मुझे अच्छा लगता था। तो अभी जो है और अच्छा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सबको इस तरह का मौका दिया जाएगा, तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि फेवरेट थिंग, अब रंजना पूछेगी ये सबसे, मतलब कुछ भी फिर से फेवरेट थिंग नहीं दूसरा। आई थिंक यू कैन टेक दैट, इट्स मोर देन एनफ, वी विल टेक दैट इफ यू इन केस इट वांट। तो गाइस आवर रिसोर्ट ओनर एंड हमें जो है बहुत ही सर्विस अच्छा से दे रहे हैं, तो इनका भी मैं बोला था कि इंटरव्यू लेता हूँ, तो दिस इज़ द राइट टाइम, यू कैन ऑल्सो हैव अ वर्ड विथ अस। ओके, सो उनके सन जो है वो बात करेंगे। सो योर गुड नेम सर? लाइक सो दिस इज द रिसोर्ट ऑफ माई फादर एंड हिज नेम इज़ जॉन, and actually we are situated in Kerala, which is the southernmost state in India, and we are situated in the district of Wayanad, and this place is called Churalmala, and our resort's name is Sierra Brook Resorts, and we are taking it forward as a family, and all our jobs are done together as a family, and till now all the people who have come here are very happy, and so they are very much happy about us and the way we treat them. Yeah, the hospitality and the way you treat, yes. And obviously the zeal of doing and this one, service as a guest, yeah. So obviously, and you said that it is your estate, so abhi, like, we have that everything online. So what I have done is, I will be sharing your resort link. So with guys, so आपके साथ में मैं share करूँगा resort का link और इनका direct number, so you can contact them and whenever you are planning, you can plan with them. So if you are going with any kind of service provider, obviously there will be some conversation charges and all that will be happen. So अभी जैसे मैं मेक माई ट्रिप से बुक किया तो मुझे पता नहीं क्या वो लोग उनको सर को देंगे और मुझे मतलब ऑफर है, बट आप डायरेक्ट भी आ सकते हो यहाँ से कर सकते हो, तो दे अरेंज ब्यूटीफुल यू नो कैंप फायर फॉर अस, एंड हमारा लंच भी बहुत ही डिलीशियस था, एंड अगेन दे अरेंज स्नैक्स फॉर अस, एंड दिस ऑल विदाउट सेइंग एनीथिंग। सो अभी कहीं पे भी आप जाओगे तो पैसा दे सकते हो, बट हॉस्पिटलिटी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरीवेयर, सो दिस इज़ मस्ट विजिट इफ़ यू आर विजिटिंग वायनाड एंड केरला, गॉड्स ओन कंट्री। या थैंक यू सो मच, बिना बोले ही स्नैक्स वगैरह जो है अरेंज कर दिया है, तो थोड़ा बहुत तो फ्लैश लाइट अब यूज़ करेंगे ना तो चेहरा कैसे दिखेगा। तो मतलब ये कि आप यू पे द प्राइस, बट उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रहता कि नॉर्मल जो भी स्टे वगैरह फूड वगैरह, लेकिन यहाँ पे जो है मोर देन एक्सपेक्टेशन आई मस्ट से। और आप कपल्स में मत आइए, ठीक है, आप फैमिली के साथ आइए, देन यू विल एंजॉय एवरीथिंग हियर। सो लाइक 3-4 पीपल क्या होता है कि जैसे ये इट इज़ नॉट लाइक ए कम्प्लीटली कमर्शलाइज्ड है ना, तो इनके पास दो ही कॉटेजेस हैं जिसमें चार मतलब दो रूम है, तो टोटल 4 रूम्स दे हैव। तो अब जैसे कपल के साथ में आप आ रहे हो, स्टे कर रहे हो, यू विल फील अलोन, बट अगर यहाँ से इंटरेक्ट कर रहे हो तो यू विल नॉट फील अलोन, दैट इज़ ऑल्सो वन पार्ट।
मतलब मैं एज पर माई परसेप्शन तो अभी जो है ये बोन फायर और कैंप फायर बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो अभी और फर्दर बातें और डिस्कशन करेंगे। ज़्यादा लंबा व्लॉग होगा बट वी विल ट्राई टू एडिट। होप आपको ये सेक्शन सबसे अलग और इंटरेस्टिंग लगेगा। सो कीप एंजॉयिंग। छोटा नील में मिलता था ज़्यादा खाने। छोटा में क्या था कि जब ये साल भर का था थोड़ा थोड़ा बोलने लगा तभी अपना नाम मुन्ना खुद ही सेट किया। उसको अनुराग बोल के बुलाते थे घर में, आवाज़ नहीं जाता, मेरे को मुन्ना बुलाया करो, मेरे को मुन्ना बुला बोलो। तब से फिल्म भी नहीं आया था उसका, क्या बोलता मुन्ना भाई MBBS ना, उसके बाद में आया तो अपने नाम खुद ही रखा था। और खाना पीना बहुत लिमिटेड से वो खाते थे, एंडसन ये सब चीज़ उसको नहीं पसंद था। बहुत ही मतलब साफ सुथरा खाना चाहिए, साफ सुथरा पहनना चाहिए और कपड़ा अगर ऐसे टी शर्ट, उस जमाने में टी शर्ट कम ही रहते, शर्ट ज़्यादा चलते थे, बहुत कम टी शर्ट चलते थे, आज से 30 साल पहले की बात है, तो शर्ट वर्ट पहने देते थे। इन करके पहनाओ मुझे, इन करके पहनाओ, तो ये अपना डिसीजन खुद लेते थे। ये दाल चावल सब्जी भाजी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं थे, इसके बाहरी का खाना क्या बोलते तुम्हारा, उस समय तो ज़्यादा वेस्टर्न स्टाइल के खाना चलते थे, है ना, चाइनीज तो बाद में आया, वही सब चीज़ जो है ना वो कर दो, क्या बोलता पोटैटो मस करके दे दो, पोटैटो बटर में गूंज के दे दो, नॉन वेज खाते ही थे, चिकन दे दो, फिश दे दो, साफ सुथरा रहना, सब कुछ रहना था। पोच एक फेवरेट है। और सबसे बड़ा इसके क्या रहते थे, इसको अगर किसी ने कुछ बोल दिया तब तो उसको खैर नहीं, उसको मार के ही वो करेंगे। एक टीचर थे तो पढ़ाने के लिए आते थे तो कहते है ना, क्या बोलता है पान खाते है सर जी, बोला हाँ मुँह लाल था, हमारे लिए पान खा लेता ही, बोला और तुम दोनों ही पढ़ते थे लेकिन तुम कुछ नहीं बोलते थे, तो वो मुँह पान छोटा बच्चा नहीं खाता बेटा, हमारा छोटा से ले आइए, छोटा से ला के दिए, दूसरा दिन तीसरा दिन फिर कहते अब मुझे पढ़ाई हो गया ना, अब मुझे साइकिल से एक बार घुमाइए, बोला नहीं साइकिल से नहीं, तो इधर से वो उधर से शहर चढ़ते थे, इस सीढ़ी से जाके वो पहले जाकर पैर में बैठ जाते थे इसे पकड़ के, अब जब तो एक चक्कर नहीं घुमाते तब तो ये छोड़ते नहीं थे। दूसरा दिन कहते थे मोटरसाइकिल लेके आइएगा कल से, साइकिल में साइकिल उम्र से साल ये खुड़ी पाते शुरू से ही थे, कोई भी सामान पाते थे तो जैसा भी इंजीनियर है तो उसको जब तक नहीं तोड़ना उसके अंदर में पुर्जा में क्या रखा है, तब सारे पार्ट्स अलग अलग करना उसको शुरू से। बाबू चुपचाप रहते, बाबू को जहाँ बैठा दिया, जो किया जैसे भी बोला सब ठीक है, कोई मतलब नहीं। जो यह है कि बाबू भी गंदगी पसंद नहीं करते थे, अगर कोई गंदा कपड़ा में उसको छू लिया कोई कर लिया तो बहुत गुस्सा। सो गाइस बातों का ये सिलसिला तो चलते ही रहेगा, लेकिन अभी जो है डिनर बन चुका है और सर्व भी हो रहा है, तो हम लोग अभी जाएंगे क्योंकि खाने को वेट नहीं कराते हैं, तो वहाँ पे एंजॉय करेंगे, वहाँ का भी हो सके तो बनाएंगे। तो कंटिन्यू द व्लॉग गाइस। सो आज है हमारे डिनर के लिए स्पेशल फ्राइड राइस, पापड़ बोलते थे, और पनीर। तो ये थोड़े डिफरेंट स्टाइल का पनीर है, और ये है आलू विद ग्रेटेड कैप्सिकम, और रोटी, और ये दिस इज सैलड, दिस बॉइल्ड सैलड, सैलड कुकुम्बर सैलड, कुकुम्बर एंड कैरेट, और वो दाल फ्राई है अभी। मतलब आइटम जो है बहुत ज़्यादा है, हम लोग ऑलरेडी हैवी लंच वगैरह सब कर लिए, स्नैक्स भी, तो जस्ट अभी डिनर ख़त्म करते हैं। होप आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन आप चाहे तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, मुझे मेरा मेंबरशिप ले सकते हैं, तो आपको और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में एक्सेस मिलेगा। और यहाँ पे आप आना चाहें, कोई भी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में ही आप चेक कर सकते हो और डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। सो बोलो, सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Have a nice day. Bye.